हाय, दिस इज प्रेम। वेलकम बैक टू एजुकेशनल हाइक्स। कैसे यार आप सब, मजे में होंगे? आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस के सेक्शन ए को सॉल्व कर रहे होंगे। सभी तरीके के लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस बार के फैमिली पेपर में आपने जिस तरीके के क्वेश्चंस देखे हैं, डायग्राम सेंट्रिक, बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। एक दो नहीं बल्कि 40-50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, टुडे इज ऑल्सो द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। दिस इज द डे व्हेन एक्चुअली आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू द एग्जिस्टेंस। और आप ये जो घर पर बैठे बैठे स्वतंत्रता की अनुभूति कर पा रहे हो, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। तो आज रिपब्लिक डे के दिन उन्हें याद करो, शो योर ग्रेटिट्यूड टू देम, शो हाउ इंपॉर्टेंट दे आर इन टू योर लाइफ। नाउ अगेन विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, मैं आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूँ। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप जो इस वीडियो से लेके जाओगे अक्रॉस द यूट्यूब, आपको किसी वीडियो में आज तक नहीं मिला होगा। ज्यादा बोलूंगा नहीं, पहले इन क्वेश्चंस को करते हैं। और सभी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप देखकर ही समझ जाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, वेलकम टू कंप्यूटर स्क्रीन। जैसा हमने इंट्रो में देखा, साइंस सब्जेक्ट जिसका सब्जेक्ट कोड है 086, क्लास 10th के लिए आज हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख रहे होंगे। जब आप इस बार का बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक दो नहीं बल्कि सेट वन सेट टू करके हमने 40+ क्वेश्चंस इस वीडियो में आपके लिए रखे हैं, जो हम साथ में मिलकर प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप अगर इस क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। जो डायग्राम सेंट्रिक क्वेश्चन इस बार के सैंपल पेपर में आ रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन हमने इन क्वेश्चन पेपर में आपके लिए रखे हैं। चलो शुरू करते हैं सेक्शन ए से। क्या कह रहा है? सेलेक्ट एंड राइट वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन फॉर Each of the questions from question number 1 to 20। भाई question number 1 to 20 सभी multiple choice questions हैं, 4 option आपके लिए दिया गया है, आपको एक appropriate option choose करना है। Question number 1 की बात करते हैं सबसे पहले। Give the ratio in which hydrogen and oxygen are present in water by volume। अब देखो, आपको अगर किसी भी compound का ratio पूछता है, water क्या है? एक compound है जिसका chemical formula होता है H2O। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई इस H2O को बनाने में कितना रेशियो हाइड्रोजन हमने मिलाया और कितना रेशियो हमने ऑक्सीजन मिलाया है। तो सबसे पहले रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिख लो। यार देखो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में 1 to 20 एलिमेंट्स है, शुरुआत के जो 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स है ना, उन सभी के एटॉमिक मास आप याद करके रखो, क्योंकि रेशियो निकालने में आपको आसानी होगी। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है, तो हमने यहां पर 1 लिखा। ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो हमने यहां पर 16 लिखा। अब रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 1+1 क्योंकि ये दो बार है ना 1, और रेशियो 16, तो हमारा हो जाएगा 2:16। अगर सिंप्लीफाई करें तो 1:8। तो भाई हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है वाटर में? यस, इट इज ऑप्शन नंबर डी, 1:8। ये याद करने वाली चीज है, आप याद भी कर सकते हो कि भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। हम चूने की बात कर रहे हैं, अगर आप सूखे चूने को पानी में डाल दोगे तो वो उबलने सा लगता है, गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर लिखा है रिएक्ट्स विगोरसली। अब देखो, यहां पर एक केमिकल इक्वेशन दिया है कि भाई कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये किस तरीके का रिएक्शन हुआ, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, जहां पर एक और दो मिलके तीसरा बना दे, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक और दो मिलकर तीसरा बना दिए हैं तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। अच्छा, और भी कुछ कहलाएगा क्या ये? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो होता है भाई जिसमें से हीट रिलीज होती है, जिसमें से हीट निकलती है। एंडोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट लगती है, जिसमें हम हीट करते हैं तब हमारा केमिकल रिएक्शन हो, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ नहीं। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, ये जो आप रिएक्शन देख पा रहे हो ना, ये मैंने एक्टिविटी भी करी है, आप फिगर में देख सकते हो, बगल में एक वीडियो चल रहा है, आप इसमें देख सकते हो कि ये जो चूना ये उबल रहा है, गर्म हो रहा है, और गर्म होने में क्या होता है, हीट भी निकलती है। तो ये दो तरीके का रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हुआ और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ए एंड सी गलत है, ए सी एंड डी गलत है, सी एंड डी भी गलत है। यस, अगेन हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए एंड बी, दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि भाई इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग
इज इन करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर. अब देखो आपको क्या करना है ना कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में, मतलब सबसे पहले जो सबसे कम एसिडिक हो उसको रखो, फिर उसके बाद जो उससे ज्यादा एसिडिक हो उसको रखो, फिर सबसे ज्यादा एसिडिक लास्ट में रखो. तो सबसे करेक्ट वाला ऑर्डर कौन सा है, ए बी सी या डी? तो हमने यहां पर क्या किया है, एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है कि भाई सबसे कम एसिडिक वाटर होता है, उससे ज्यादा एसिडिक एसिटिक एसिड होता है, उससे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. देखो एसिटिक एसिड ना हमारे संतरे के रस में, नींबू के रस में भी पाया जाता है, जिसको हम पी सकते हैं, ठीक है. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको नहीं पी सकते, ये हमारे पेट में पाया जाता है जिससे हमारा खाना हमारा डाइजेस्ट होता है, ठीक है. तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ए वाला, ठीक है. तो सबसे कम हमारा वाटर एसिडिक है, उसके उससे ज्यादा एसिटिक एसिड है, फिर उससे ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक, इससे कम एसिटिक, इससे कम वाटर. समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में लिखो, ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि भाई एल्युमिनियम एक मेटल है जो कि खाना पकाने वाला बर्तन होता है ना, वो बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. अच्छा, एक बात बताओ, एल्युमिनियम के अंदर ऐसी कौन सी खूबी होती है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से खाना पकाने वाला बर्तन इस एल्युमिनियम से बनाया जाता है? कोई तो खूबी होगी इसके अंदर. गुड थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब ये हीट बहुत अच्छा कंडक्ट करता है, खाना अच्छे से पक जाता है इसलिए. या इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इसलिए कुकिंग यूटेंसिल बनाए जाते हैं. ये डक्टाइल होता है, मतलब किसी भी शेप में इसे बदल सकते हैं इसलिए कुकिंग यूटेंसिल्स. या हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये जल्दी पिघलता नहीं है, इस वजह से हम कुकिंग यूटेंसिल बनाते हैं. क्या कारण हो सकते हैं चारों में से आपके हिसाब से? क्या, देखो यार, खाना बनाने के लिए तो सबसे जरूरी है कि भाई हीट कंडक्ट करना चाहिए, मतलब एल्युमिनियम ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब वो अपने बर्तन में रखे गए खाने को बहुत जल्दी गर्म कर देता है. तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी ये इसकी एक प्रॉपर्टी है. इसके अलावा हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एल्युमिनियम जल्दी पिघलता भी नहीं है. ऐसा तो नहीं है ना कि एल्युमिनियम का बर्तन है, तुमने गैस पर चढ़ा दिया तो वो बर्तन ही पिघल गया, भाई ऐसा नहीं होता ना. क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है. तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से ये खाना पकाने वाले बर्तन बनाने के काम में आता है, ठीक है. तो 1 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. क्या है 1 and 4? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 and 4. यस, अगेन हमारा डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई एक एलिमेंट है जिसको हमने एक्स नाम दिया गया है, ठीक है. ये बहुत ही मुलायम होता है और इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं. जनरली कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसको तुम चाकू से काट सको, लेकिन ये एलिमेंट है जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं. दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी ओपन इन एयर. ये हवा से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, मतलब जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ये जलने लगता है, इतना तेज रिएक्ट करता है, ठीक है. और इसलिए इसको हम केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में स्टोर करते हैं ताकि ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ना आए और ना ही इसमें आग लगे. ये कौन सा मेटल है, ये इतना मुलायम, इतना रिएक्टिव, ये कौन सा मेटल है? Mg मैग्नीशियम है, क्या है ये? सोडियम है, क्या है ये? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, ये बहुत ही कॉमन मेटल है जिसको हम कहते हैं सोडियम, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na, ठीक है. तो ये एक ऐसा मेटल है जो काफी सॉफ्ट होता है, इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं. ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, अगर हम इसको खुले वातावरण में ले आए सोडियम को, तो सोडियम में आग लग जाती है ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आते ही, इसलिए इसको हम मिट्टी के तेल में स्टोर करके रखते हैं ताकि ये रिएक्ट ना करे, ठीक है. तो बी वाला ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि भाई एक स्टूडेंट है जो कि एसिटिक एसिड को ध्यान से पढ़ता है, ध्यान से ऑब्जर्व करता है, और इसको पता चलता है कि जो एसिटिक एसिड है ना वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है. देखो सैचुरेटेड कंपाउंड कौन होता है भाई, जिसके बीच में सिंगल कार्बन बॉन्ड हो वो हमारा सैचुरेटेड होता है, और जिसके बीच में डबल कार्बन बॉन्ड हो उसको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं, ठीक है. अच्छा, तो सैचुरेटेड मतलब समझ गया, एसिटिक एसिड सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये इस स्टूडेंट ने पता लगाया. द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज ए सोन विलो. यहां पर एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है. ये क्या है, इसका एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3, CH1, H2, S3. तो CH3 और COOH,
COOH, ठीक है। तो अभी तक हमें यह पता चला कि एसिटिक एसिड हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि इसके किसी भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सैचुरेटेड कंपाउंड है। डबल बॉन्ड होता तो अनसैचुरेटेड होता, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अब ये देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई व्हाई इज एसिटिक एसिड क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड कंपाउंड। एसिटिक एसिड को हम सैचुरेटेड कंपाउंड क्यों कहते हैं? सीधा सा सरल सा इसका आंसर होता है, बिकॉज देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में केवल यही फर्क होता है भाई, सैचुरेटेड वो होता है जिसके दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। अनसैचुरेटेड वो होता है जिसके दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ये अनसैचुरेटेड, ये हो गया हमारा सैचुरेटेड। तो एसिटिक एसिड सैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि देयर इज ओनली अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। आप से देख पा रहे हो, ऊपर मैं आपको फिगर भी दिखा दूं तो आप देख सकते हो कि भाई ये नीचे आप देख सकते हो कि इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और इसलिए ही एसिटिक एसिड को हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। याद रहेगा ना, सैचुरेटेड मतलब हमेशा जान लेना दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनॉल एब्सॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। भाई ये हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनॉल है जहां पर खाना पचाया जाता है। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ओएसोफागस, ठीक है, एनस। अब भाई इनमें से कौन सा पार्ट डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब करता है? मतलब फूड डाइजेस्ट होता है वो तो स्टमक में होता है। अब इस खाने को डाइजेस्ट होने के बाद खाने से जो प्रोटीन निकलता है, जो विटामिन निकलता है, जो मिनरल निकलता है, इसको एब्सॉर्ब करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन इस डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब करके प्रोटीन, विटामिन और मिनरल निकालता है और उसके बाद बॉडी के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाता है, ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए कि एलिमेंट्री कैनॉल का कौन सा रीजन है जो पचे हुए खाने को पचाता है, मतलब डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब करता है, वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम यही होता है कि भाई स्टोमक में जो खाना पच रहा है उसमें से विटामिन, मिनरल और जो हमारा और भी जरूरी तत्व होते हैं खाने में, उसको निकालकर शरीर के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाए, ठीक है। तो भाई डाइजेस्टेड फूड कहां एब्जॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आर यू ओके विथ इट? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमसे पूछ रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ द यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का फिगर दिया गया है। अब आपको बताना है, मैं आपको पहले ही लेबल कर देता हूं। ये जो देख पा रहे हो आप, ये है हमारी किडनी। ये क्या है? ये हमारी किडनी। और ये क्या है? ये हमारा है यूरेटर। ये जो पाइप देख पा रहे हो ना, ये हमारा यूरेटर, और ये हमारा ब्लेडर, ठीक है, जिसको हम यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं। और सबसे लास्ट में ये जो पाइप है, इसको हम कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि भाई जो पेशाब होता है, जो ह्यूमन बॉडी से यूरिन निकलता है, वो कहां से होके कहां तक जाता है? आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो किडनी, फिर उसके बाद किडनी से छन कर इस यूरेटर वाले पाइप में जाता है, फिर इस ब्लेडर में आता है, उसके बाद यूरेथ्रा से बाहर निकाल देते हैं हम। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हुआ? किडनी, यूरेटर, ब्लेडर और यूरेथ्रा। इसको तुम याद भी कर सकते हो हमने कुबू से। कुबू इज द शॉर्ट ट्रिक जिससे आप याद कर सकते हो कि भाई इंसान का जो पेशाब होता है, सबसे पहले किडनी, फिर हमारा आता है यूरेटर, फिर ब्लेडर और फिर यूरेथ्रा में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? किडनी के बाद यूरिनरी ब्लेडर। किडनी के बाद यूरिनरी ब्लेडर, गलत है ये। यूरिनरी ब्लेडर पहले आ गया, ये भी गलत है। किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया डी वाला, ठीक है। डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आप देख सकते हो अगर हम इस ट्रिक को वापस लिखें तो किडनी, किडनी, यूरेटर, यूरेटर, ब्लेडर, ब्लेडर, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये वाला, डी वाला। तो इंसान का जो पेशाब होता है वो सबसे पहले किडनी, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लेडर, फिर यूरेथ्रा में जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि भाई अ पर्सन ट्रैवलिंग थ्रू अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सडनली फेंटेड। एक इंसान है जो कि बस में ट्रैवल कर रहा था और अचानक वो बेहोश हो जाता है। मतलब आप कभी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गए, बस में बैठे हुए, आराम से बैठे हुए आपका स्टॉप आने वाला है, लेकिन उसके पहले ही आप बेहोश हो गए, ठीक है। डॉक्टर जब चेक करता है तो वो ये देखता है कि भाई ये आदमी जो बेहोश हुआ, इसका ब्लड प्रेशर कितना है? 150 to 95।
नेम द मेडिकल कंडीशन दैट द पर्सन इज गोइंग थ्रू. भाई इस इंसान को क्या हो गया, ये बेहोश क्यों हो गया, क्या आप बता सकते हो? क्या इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया या इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इसका सुगर लेवल कम हो गया या सुगर लेवल हाई हो गया, क्या हुआ इसमें? तो आप देख सकते हो यार कि ब्लड प्रेशर 150/95 है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है. नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है लगभग, ठीक है, 120/80. अब ये हमारा नॉर्मल है और ये है हाई ब्लड प्रेशर. और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो जो हमारे ब्लड के वॉल्स होते हैं ना, उन पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से इंसान को चक्कर आ जाता है. ठीक है, तो क्या हुआ इस इंसान को, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, इसका ब्लड प्रेशर 152.95 हो गया था. नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, इससे कम में भी क्या होता है, इंसान बेहोश हो जाता है, इससे ज्यादा में भी इंसान बेहोश हो जाता है. ठीक है, तो आप समझ सकते हो. अच्छा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है कि भाई एक इमेज है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये ब्रेन का इमेज है, यहाँ पर लेबल्ड डायग्राम हमने आपको दिखाया है. आपसे पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर. भाई इस ब्रेन का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो कि इंसान के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? तो मैं आपको बता दूं यार, आप ये देख पा रहे हो, ये है ब्लड स्टेम. ठीक है, ये वाला पूरा जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ब्लड स्टेम, ये वाला पार्ट. ठीक है, अच्छा, ब्लड स्टेम में आप देख सकते हो क्या क्या आ रहा है. सबसे पहले तो मिड ब्रेन आ रहा है, मिड ब्रेन के बाद ये वाला पार्ट यानी पॉन्स आ रहा है, ये वाला पार्ट यानी मेड्यूला आ रहा है. इसके अलावा और कुछ तो नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा मेरे भाई. तो यही तीन हिस्से हैं जो कि ब्लड प्रेशर, इंसान के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं. कौन कौन सा? पॉन्स, मेड्यूला और मिड ब्रेन. ये तीनों मिला के इनको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं. क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम कहते हैं. हमारे शरीर के जो ज्यादातर चीजें होती हैं, जैसे हमारे शरीर में कहीं स्वेलिंग आ गई, कहीं कुछ फूल गया, हमारा जो खाना पच रहा है, जो हम फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें ब्रेन स्टेम से ही होती है. यानी पॉन्स, मेडुला और मिड ब्रेन मिलकर ये काम करते हैं. ब्लड प्रेशर को भी यही तीनों कंट्रोल करते हैं. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. ये हमसे पूछ रहा है कि द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर. आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई फ्लावर के सेंटर में इसका कौन सा पार्ट मौजूद होता है. आप ये देख सकते हो, दिस इज द फिगर ऑफ फ्लावर, और इसके बीच में आपको कौन सा पार्ट दिख रहा है? ऑब्वियसली यही वाला तो दिख रहा है बीच में. इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? सेपल कहते हैं, पेटल कहते हैं, पिस्टल कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? एक एक करके हम लेबल करते हैं इसको. ये जो आप फ्लावर की पंखुड़ी देख पा रहे हो, दिस इज पेटल. इसको क्या कहते हैं? इसको हम पेटल्स कहते हैं. ये जो हरा वाला देख पा रहे हो, दिस इज सेपल. इसको क्या कहते हैं? इसको हम सेपल कहते हैं. ये डंठी दिख रही है आपको, दिस इज कॉल स्टैमेन. दिस इज कॉल स्टैमेन. अच्छा, अब ये बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? ये जो बीच वाला पार्ट है, ये तीन हिस्सों से मिलकर बना है. ये जो पहला है, दिस इज स्टिग्मा. दिस इज स्टिग्मा. ठीक है, ये बीच वाला पार्ट क्या है? इसको हम कहते हैं स्टाइल. स्टिग्मा, स्टाइल. और ये जो नीचे बल्कि पार्ट देख पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड ओवरी. ठीक है, तो ये तीन हिस्से हैं और इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं पिस्टिल. क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम कहते हैं पिस्टिल. पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर इज कॉल्ड पिस्टिल. सो हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. आपसे पूछ रहा है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शोन इन द फिगर. इस फिगर में आप किस तरीके का रिप्रोडक्शन देख पा रहे हो? क्या ये बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और फिजन, इनमें से कौन सा रिप्रोडक्शन यहां पर दिखाया गया है? तो आप इस फिगर में देख रहे हो कि भाई ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? दिस इज प्लेनेरिया. कौन सा ऑर्गेनिज्म है? दिस इज प्लेनेरिया. ठीक है, अच्छा, आप देख पा रहे हो कि प्लेनेरिया को तीन हिस्सों में कट किया गया और ये तीनों हिस्से एक एक करके फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म में बदल गए, यानी रीजनरेट कर लिया इन्होंने. क्या किया? इनके बॉडी पार्ट्स को हमने काट दिया, ये अपने एक एक बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट कर लिया. इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम रीजनरेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं. समझ में आ रहा है? नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है. ऐसा क्वेश्चन आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा. एक क्वेश्चन ऐसा होगा ही होगा जिसमें आपको क्रॉस करने वाला क्वेश्चन रहेगा. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भाई इफ अ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद रिंकल्ड येलो सीडेड पी प्लांट द सीड्स प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन आर.
राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो. आपसे पूछ रहा है कि भाई दो पेरेंट्स है, एक जो पेरेंट है वो राउंड एंड ग्रीन है और जो दूसरा पेरेंट है वो रिंकल्ड एंड येलो है. इन दोनों को अगर क्रॉस कराया जाए तो इनका जो F1 जनरेशन के बच्चे होंगे उनके अंदर कैसी क्वालिटीज होगी. ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ये ब्रैकेट वाली चीज लिख लो पहले. क्या ऐसे क्वेश्चंस को करने का मैं तरीका बताता हूं. ये है हमारे पेरेंट्स, ठीक है, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं ये है हमारे पेरेंट्स. इनको हम हमारे पेरेंट्स नहीं है बल्कि इस क्वेश्चन में ये पेरेंट्स है. ठीक है, हम एक एक करके इनको लिख लेंगे. आर आर और वाई वाई, ये क्या है, छोटा आर और कैपिटल वाई, कैपिटल वाई. ठीक है, यही तो लिखा गया है यहाँ पे, बिल्कुल यही लिखा गया है. अच्छा, अब इनके गैमेट्स निकालते हैं हम. गैमेट्स कैसे निकालेंगे, एक आर यहां से ले लो, एक छोटा वाई ले लो, एक छोटा आर यहां से ले लो, एक बड़ा वाई ले लो. इनके गैमेट्स निकाल लिए. अब एफ वन जनरेशन में बच्चों के अंदर कैसी क्वालिटीज होगी, आर आर, आर आर, वाई वाई, मतलब राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो. तो इनके अंदर कैसी क्वालिटीज होगी, राउंड एंड येलो. तो आपने इन क्वेश्चंस को करना सीखा कि नहीं सीखा, बहुत आसान है भाई इन क्वेश्चंस को करना. ठीक है, अच्छा, नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. हमसे क्या बोल रहा है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जैसे ह्यूमंस में हमारा जो स्पर्म होता है वो जेनेटिक मटेरियल कहलाता है. ठीक है, लड़कियों का जो एक्स होता है वो जेनेटिक मटेरियल कहलाता है. बोल रहा है कि कौन से रिप्रोडक्शन में, किस तरीके के रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल्स का आदान प्रदान होता है. तो हम ह्यूमंस कैसा सेक्स करते हैं, ऑलरेडी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ना भाई, जिसमें हमारा स्पर्म ट्रांसफर होता है, एक्स ट्रांसफर होता है. ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कौन से रिप्रोडक्शन में होता है, यस इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अच्छा, नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. हम बहुत करीब है इस सेट को खत्म करने से. ठीक है, जोश हाई रखो. क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेजेस. आपके पास चार प्रॉपर्टीज दी गई है वर्चुअल इमेजेस की, इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी सही है वर्चुअल इमेजेस के बारे में. सबसे पहला, कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन. वर्चुअल का मतलब होता है नकली. जो शीशे के अंदर वाला इमेज होता है उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं. आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, जो शीशे के उस तरफ वाला इमेज है वो वर्चुअल इमेज कहलाएगा. ठीक है, उसी इमेज के बारे में बात हो रहा है कि भाई जो वर्चुअल इमेज होता है क्या वो स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता. बिल्कुल सही, वो इमेज असली थोड़ी होता है कि तुम उसको स्क्रीन पर ला दोगे. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल होगा. दूसरा, आर फॉर्म्ड बाय बोथ कंकेव एंड कन्वेक्स लेंस. बिल्कुल, कंकेव एंड कन्वेक्स लेंस दोनों लेंस वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं, तो ये भी सही है. तीसरा, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट. ये भी सही है, आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ भाई, सीधे ही तो दिखोगे ना. ऐसा थोड़ी कि तुम शीशे के सामने खड़े हो और शीशे के अंदर तुम्हारा पैर ऊपर दिख रहा है और सर नीचे दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा ना. तो इन्वर्टेड नहीं होगा, बल्कि ए बी और सी हमारा वर्चुअल इमेज के बारे में करेक्ट है. तो करेक्ट प्रॉपर्टीज आर ए बी एंड सी, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दिस सी वाला. ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा. हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फेनोमेना विच इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट. डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट क्या होता है, जब भी बारिश हुई रहती है तो हवा में जो बारिश की बूंदे होती हैं वो हवा में ही प्रेजेंट रहती है, एटमोस्फियर में प्रेजेंट रहती है. ठीक है, अब भाई मान लो सूरज यहां से उगा, जो सनलाइट है वो इन ड्रॉपलेट्स, इन पानी के ड्रॉपलेट्स पर पड़ेगी. अब ये जो पानी के ड्रॉपलेट्स है ना, ये प्रिज्म का काम करती हैं, प्रिज्म का काम करती हैं. प्रिज्म का मतलब जो चारों तरफ से शीशा हो उसको हम प्रिज्म कहते हैं. तो जो बारिश की बूंद होती है ना, वो भी चारों तरफ से शीशे का ही काम करती है, प्रिज्म का काम करती है. अब जब सनलाइट इस बूंद से होके गुजरेगा ना, तो वो बहुत अलग अलग तरीके के कलर्स निकालता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, नेचुरल फिनोमेना जो कि डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट से कॉज होता है, वो कौन सा है, दैट इज रेनबो. समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, इतने आसान तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा मेरे दोस्त. क्वेश्चन नंबर 17-20 असरसर रीजन क्वेश्चन है भाई. इस क्वेश्चन के बारे में चार ऑप्शन दिया गया, ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी वाला है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी वाला है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. अब आपको इन चारों क्वेश्चन में बताना है कि भाई इन चारों क्वेश्चन में, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन तुम चूज करोगे. ठीक है, तो चलो 17, असर्शन एंड रीजन. असर्शन क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो बहुत पॉइजनस होती है. बिल्कुल सही है. अच्छा, इसका रीजन क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है कैसे, कंप्लीट कंबस्टन ऑफ कार्बन. ये गलत दिया है,
क्यों? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो इनकम्प्लीट कंबस्टन की वजह से पैदा होती है, कंप्लीट कंबस्टन की वजह से नहीं। तो रीजन इसका गलत है और असर्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये रीजन पूरा गलत है, मतलब ये सेंटेंस ही गलत है, ठीक है। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे 17 के लिए? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब 17 का सी वाला, ठीक है। अच्छा 18 की तरफ चलते हैं। असर्शन क्या है इसका कि भाई जब भी हम लीड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, ब्राउन कलर की जो उसका फ्लेम होता है वो निकलता है, ठीक है, ये बात तो सही है। अच्छा उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। ये देखो बिल्कुल सही है, असर्शन में कह रहा है कि भाई जब हम लीड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो ब्राउन कलर के फ्लेम्स निकलते हैं, बिल्कुल सही। इन फ्लेम्स के साथ साथ एक गैस भी निकलती है जिसको हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, ठीक है। तो इसका असर्शन सही है एंड ए सॉरी आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो रीजन है वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो 18 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 18 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा मेरे दोस्त? ये वाला, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब असर्शन भी सही है रीजन भी सही है, और जो रीजन दिया गया है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो हमने 17 कर लिया, 18 कर लिया, 19 की तरफ चलते हैं। 19 क्या कह रहा है? असर्शन क्या है कि भाई बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन मेकिंग केक इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली बेकिंग सोडा। बिल्कुल सही है कि जो बेकिंग पाउडर होता है वो केक के बनाने में भी इस्तेमाल होता है, ना कि केवल बेकिंग सोडा बनाने में बल्कि केक बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो इसका असर्शन तो सही है, देखते हैं इसका रीजन सही है क्या। बेकिंग पाउडर कंटेन्स कार्बोनिक एसिड विच रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट एंड रिमूव्स बिटर टेस्ट। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा असर्शन है रीजन में वही ए वाला होगा कि भाई ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। केक के अंदर जो कड़वाहट होगी वो इस बेकिंग पाउडर की वजह से हट जाती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। असर्शन एंड रीजन, हाइट इन टी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स एंड दस इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए करने में मजा आया होगा। सेट वन हमने आपके लिए पूरी तरीके से खत्म कर दिया, कर लिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सेट टू बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन जैसे हमने सेट ए में रखे वैसे सेट टू में भी रखे। प्रीवियस फॉर्मेट मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, मैंने पीडीएफ लिंक दिया है, जिसको पीडीएफ लिंक पर क्लिक करोगे ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा सेट टू वाला जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो भाई अब अपने से करना है आपको, सेट वन मैंने कर दिया आपको, सेट टू आप हमारे लिए करिए और उसके बाद जब कर लो उस पीडीएफ को आप अपने फोन में ओपन करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर सकते हो सेट टू की, ठीक है। तो ट्राई करो यार, अपना